नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह, राजनीति विज्ञान विभाग TNKS राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज मैं BA पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट जापान के संविधान के बारे में आपको बता रहा हूँ। जापान का संविधान, जापान शब्द चीनी भाषा के शब्द जी पेन से बना है, जिसका अर्थ है सूर्य का उदय और जो और जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि का सूर्य की भूमि कहा जाता है। एशिया महाद्वीप के सुदूर पूर्व में स्थित यह देश चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। होकाइडो, होश, शिकागो, क्यूस चार मुख्य द्वीपों के अतिरिक्त और भी हैं। सुदूर पूर्व स्थित है और समुद्र चारों घिरे। होकाइडो, होश, शिकागो, क्यूस ये चार मुख्य द्वीपों के अतिरिक्त और भी द्वीप हैं। कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है। क्षेत्रफल 142,725 वर्ग मील है। जनसंख्या का घनत्व अधिक है। यानागा सबसे बड़ी समस्या है। अत्यधिक जनसंख्या और अल्प भूमि है। यह भारत का 1/8 भाग है। अमेरिका का 1/20 भाग, इंग्लैंड से 1.5 गुना। केवल 16% भूमि कृषि योग्य है। नवीन संविधान का निर्माण 26 जुलाई 1947 को मित्र राष्ट्रों की सर्वोच्च कमान की ओर से की गई। पोस्टडम घोषणा पर आधारित था। 3 मई 1947 को लागू किया गया। जापान का वर्तमान संविधान, जिसे सोवा संविधान भी कहा जाता है, 11 अध्याय और 103 अनुच्छेद हैं। विशेषताएं जो हर संविधान की, हर राष्ट्र की विशेष बातें होते हैं, विशेषताएं जापान के संविधान की विशेषताएं। नंबर एक, जन संप्रभुता पर आधारित संविधान। नंबर दो, लिखित और अपेक्षाकृत संक्षिप्त संविधान। नंबर तीन, संविधान की सर्वोच्चता। और नंबर चार है कठोर संविधान। 1947 से लेकर अब तक कोई संशोधन नहीं हुआ है, इतना कठोर है। नंबर पाँच, लोकतंत्रीय आदर्शों का मूर्त रूप। नंबर छः, मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य, अनुच्छेद 10 से 40 तक। एकात्मक शासन। नंबर आठ, संसदीय शासन। और नंबर नौ, धर्मनिरपेक्ष राज्य। नंबर 10, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। नंबर 11, युद्ध का परित्याग। और 12 है दोहरी प्रणाली का अंत तथा नागरिक शासन की सर्वोच्चता। स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। 14 सीमित राजतंत्र और 15 है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये हैं जापान के संविधान की विशेषताएं। अधिकार एवं कर्तव्य। नागरिकों के अधिकार नंबर एक, समानता का अधिकार 14 से 24। नंबर दो है राइट टू फ्रीडम 1931। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 6 है न्यूनतम जीवन स्तर। नंबर 7 है संपत्ति का अधिकार। और 8 है आर्थिक अधिकार। 9 राजनीतिक अधिकार। और 10 है अन्य विविधा अधिकार। तो ये हैं जापान के संविधान के अधिकार एवं कर्तव्य।
द एम्परर ऑफ द किंग, सम्राट राष्ट्रीय विश्वासों, राजनीतिक प्रणाली और सामाजिक संरचना का केंद्र रहा है। विलियम सी जॉनस्टन सन 1889 के मेजी संविधान के अंतर्गत सम्राट की स्थिति सर्वोच्च की थी। सम्राट का वंश सभ्यता के प्रस्तर काल से जापान का शासन कर रहा है। जिमो तेनो जिस सूर्य देवता का वंशज माना जाता है, जिसका राज्य रोहन वर्ष 660 ईस्वी पूर्व कहा जाता है, इस वंश का प्रथम सम्राट था। वर्तमान सम्राट आके है तो 125वें और जॉन कुंथर जापानी सम्राट देवी होने के नाते राज्य से कहीं अधिक है। वह स्वयं राज और सम्राट और प्रजातंत्र का एक ही है। सम्राट ईश्वर के रूप में कार्य करता है। उसका व्यक्तित्व अनुपम है। नए संविधान में राजनीतिक क्षेत्र में सम्राट को पूर्णतः शक्तिहीन बना दिया है। द्वितीय नए विश्व के बाद वर्तमान में राज्य और जनता की एकता का चिन्ह रह गया है। दूसरा है, पहले दैविक था जिसका मानवीकरण किया गया है। 1 जनवरी 1947 को सुप्रसिद्ध शाही घोषणा के सम्राट हिरोहितो ने स्वयं लोकतंत्रीकरण को स्वीकार किया गया। सम्राट के कार्यकाल अधिकार, क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या कार्यकाल हैं। मेजी संविधान 1889 के अंतर्गत सम्राट को जो देवत्व तथा सर्वोपरिता और निरंकुशता को वर्तमान संविधान द्वारा समाप्त कर दिया गया है। कार्यकाल कार्यपालिका शक्तियाँ, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मंत्रियों के कानून द्वारा व्यवस्थित अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, प्रमाणित करना, उपाधियां देना, विदेशी राजदूतों और मंत्रियों को स्वागत करता है। ये थी कार्यपालिका की शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ, सम्राट डाइट के सत्र बुलाता है। कार्यकाल की समाप्ति पर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर प्रतिनिधि सभा को भंग करता है और डाइट के सदस्यों के आम चुनावों की घोषणा करता है। समस्त राष्ट्रीय कानूनों, संवैधानिक संशोधनों, मंत्रिमंडल आदेशों को लागू करता है। और नंबर तीसरा है न्यायिक शक्तियाँ। क्षमादान, दंड को कम करने, निलंबित करने या अधिकारों को पुनः प्रदान करने के आदेशों को प्रमाणित करता है। उपरोक्त शक्तियाँ वास्तविक न होकर केवल औपचारिक हैं। तो ये हमने आज आपको बताया जापान के संविधान के बारे में। कल हम पुनः जापान के संविधान को आपको बताएंगे, समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।